What is emotional health and emotional well-being? Is it about feeling positive emotions all the time? No. Emotional well-being का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा खुश रहें. Hello friends, I am Anabika Adubanshi और आज की वीडियो में हम बात करेंगे emotional well-being की ही actually होता क्या है. कौन लोग emotionally healthy होते हैं और इसके क्या benefits हैं. अच्छी emotional health maintain करने के क्या benefits हैं और कैसे अपनी emotional health को अच्छा बना सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. लेकिन उससे पहले if you haven't subscribed to my channel yet, please do so and also press the bell icon so that you get a notification whenever I upload my video next. Let's start today's video. Maintaining good emotional health or emotional well-being means having an ability to handle, manage and channelize your emotions, and also during the stressful times you know how to deal with your emotions. अगर ये करना आ जाएगा तो आपकी emotional well-being बहुत ही अच्छी हो जाती है. जिन लोगों की emotional well-being बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसा नहीं है कि उनको anger, fear, anxiety या stress नहीं होता. ये सब emotions हमारी ज़िंदगी का unavoidable part है. लेकिन इमोशनल वेलबींग जिनकी बहुत अच्छी होती है, उनको हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन से नेगेटिव इमोशंस को फील करते हुए भी उन नेगेटिव इमोशंस को चैनलाइज और एक्सप्रेस करना अच्छे से आता है. इसीलिए उनकी वेलबींग, इमोशनल वेलबींग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. एवरीबडी वॉन्ट्स कि उनकी इमोशनल वेलबींग भी अच्छी हो जाए. हम भी चाहते हैं कि हमें भी अपने इमोशंस को मैनेज करना, हैंडल करना, चैनलाइज करना आ जाए. क्योंकि अगर हमें ऐसा आ गया, ऐसा हो गया हमारे साथ, तो हमारी लाइफ में कोई भी टर्मोइल आए, कोई भी सिचुएशन आए, हम इमोशनली लो नहीं फील करेंगे और सिचुएशंस का डट कर सामना कर पाएंगे. तो बेनिफिट्स इमोशनल वेलबींग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. अगर आपकी इमोशनल वेलबींग अच्छी हो जाती है तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों करनी है आपको अपनी इमोशनल वेलबींग अच्छी, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. नंबर वन बेनिफिट क्या है इमोशनल वेलबींग अच्छी मेंटेन करने का, कि अगर आपकी इमोशनल वेलबींग अच्छी हो जाती है तो आपकी मेंटल हेल्थ तो अच्छी रहेगी ही, साथ में आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी. जी हाँ, इट कीप्स यू फिजिकली हेल्दी एज वेल एज मेंटली हेल्दी. वाई? बिकॉज इमोशंस ही हैं. हम कभी बहुत सैड फील करते हैं, कभी बहुत एंग्री फील करते हैं, कभी डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं. सो इमोशंस जो है हमारे मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट डालते हैं. उसकी वजह से हम ज़्यादा कभी कभी डिप्रेस्ड या डिप्रेशन में भी चले जाते हैं. या अगर हमें इमोशंस बैलेंस मैनेज करना आता है तो उससे हमारे फिजिकल हेल्थ पर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है. अगर हम ज़्यादातर खुश रहते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और हमारी जो बॉडी के जो सेल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे ग्रो करते हैं, बिकॉज हम हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज़ करते हैं. सो इमोशनल वेलबींग जो है हमारी मेंटल वेलबींग के साथ साथ हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी इम्पैक्ट डालती है. नंबर टू बेनिफिट क्या होता है इमोशनल वेलबींग मेंटेन करने का, वो ये बेनिफिट होता है दैट वन इज एबल टू एक्सप्रेस वन सेल्फ बेटर. सो उनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं. जो इमोशनली जिनकी इमोशनल वेलबींग बहुत अच्छी होती है उनके रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे होते हैं. क्यों? क्योंकि वो ना ही खुद के इमोशंस बैलेंस करते हैं, मैनेज करते हैं, बल्कि दूसरों के इमोशंस को भी समझते हैं, खुद भी अच्छा एक्सप्रेस करते हैं और सामने वाले की भी एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से समझते हैं. तो रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. तो जब कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है तो रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे हो जाते हैं. नंबर थ्री बेनिफिट क्या है इमोशनल वेलबींग मेंटेन करने का, नंबर 3 बेनिफिट है क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव्स. आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाती है. बिकॉज अगर आप हमेशा परेशान रहते हैं, इरिटेटेड से रहते हैं, तो क्या होता है कि आप लाइफ को कभी इन्जॉय ही नहीं कर पाते. आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती. लेकिन अगर आप हैप्पी रहते हैं, एंथुजियास्टिक रहते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को डील करना चाहते हैं, मुश्किलों में भी आप प्रॉब्लम पे नहीं सोल्यूशन पे सोचते हैं, सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है. बिकॉज आप हर दिन को, हर पल को बहुत अच्छे से जीते हैं. सो ये 3 बेनिफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशनल वेलबींग को मेंटेन करने के लिए. हाउ टू इम्प्रूव योर इमोशनल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग अपनी बेहतर कैसे बनानी है. सो आई एम गोना गिव यू 5 वेज टू इम्प्रूव योर इमोशनल वेलबींग. नंबर वन इज एक्सप्रेस योर सेल्फ इन अ हेल्दी वे. अक्सर हम लोगों से बात करते हैं तो कई बार रूड हो जाते हैं, कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर लेते हैं जिससे हमारी इमोशनल वेलबींग तो खराब होती है, साथ में दूसरे की इमोशनल वेलबींग पर भी बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. तो जब भी आप कुछ बात कन्वे कर रहे हैं, ट्राई टू कन्वे इट इन अ हेल्दी मैनर, फोकस
that you communicate the right thing and choose the right words. That's extremely important. Number two is practice self-care. अक्सर लोग people pleaser बन जाते हैं, वो लोग वो काम करते हैं जो दूसरों को पसंद है, जो तुमको वो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात का हो तो रात करेंगे. ऐसा कहने से होता क्या है कि आपकी इमोशनल हेल्थ जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, आप अपनी खुशियों का, अपनी प्रायोरिटीज़ का, अपनी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रख पाते, तो आप अक्सर बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं. तो पीपल प्लीजर बनने से कभी भी लॉन्ग रन में किसी का फ़ायदा नहीं होता. सो प्रैक्टिस सेल्फ केयर, खुद का ध्यान रखें, खुद को इम्पोर्टेंस दें. सेल्फिश नहीं होना है, लेकिन खुद का ध्यान रखना है, खुद की प्रायोरिटीज़, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की नीड्स को पहले इम्पोर्टेंस देनी है. पीपल प्लीजर नहीं बनना है, वही करें, वही लोगों को बताएं जो कि एक्चुअली आप ऑथेंटिकली फील करते हैं. नंबर थ्री इज़ प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हमें एक थैंकफुल की फीलिंग आती है. वी बिकम थैंकफुल ऑफ व्हाट वी हैव, एंड व्हेन वी बिकम थैंकफुल ऑफ व्हाट वी हैव, वी फील हैप्पी, एंड व्हेन वी फील हैप्पी हमारे इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, एंड हमारी इमोशनल वेलबींग जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है. नंबर फोर इज़ डू सम वॉक इन नेचर और स्पेंड सम टाइम इन नेचर. अगर आप बाहर पार्क में नहीं जा सकते, आपके गार्डन में, आपकी बालकनी में कुछ प्लांट्स होंगे, उनके साथ समय गुजारिए. जब आप नेचर के साथ समय गुजारते हैं तो आपके अंदर अगेन हैप्पी हॉर्मोन्स जो हैं वो होते हैं, और आपको अच्छी फीलिंग आती है, एंड इमोशनली आप बेहतर महसूस करते हैं, और आपकी इमोशनल वेलबींग जो है अच्छी हो जाती है. नंबर फाइव इज़ फॉलो योर पैशन. जी हाँ, हमारा पैशन वो चीज़ है जिसको हमें करना बहुत ज़्यादा पसंद है और उसको करने से हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है. तो जिस काम को करने से खुशी मिलती है, उसको अगर आप अपने करियर में नहीं अपना पा रहे हैं, वो आपका पैशन आपका करियर नहीं है, तो उसको एज अ हॉबी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए. बिकॉज जब आप अपने पैशन वाली चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, आप हैप्पी रहेंगे तो आपकी इमोशनल वेलबींग भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी. मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपकी इमोशनल हेल्थ कैसी है. क्या आप लो फील करते हैं या आपकी इमोशनल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी है? और अगर आपकी इमोशनल हेल्थ लो है तो आप उसको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.